फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ठीक प्रकार से समझेंगे। मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा बताया, लेकिन हो सकता है दिक्कत रही हो। इस वीडियो में मैं आपको उसको बेहद आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसे पूरा वीडियो ध्यान से सीखिए, देखिए, और आपको इसको देखने के बाद फिर आपके ये टेंस लगभग आपके क्लियर हो जाएगा, आप इसे पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें सब्जेक्ट जैसे है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या चेंज होता है, इसमें जैसे आई है, यू है, इसके बाद अगला वी, ये हमारा सब्जेक्ट वी है, और इसे क्रम से मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद आता है सब्जेक्ट में डी, अगला है बॉयज, गर्ल्स, ही, शी, बॉय, गर्ल, राम, सीता। ये क्रमशः मैंने आपको सब्जेक्ट के रूप में बताया। सबसे पहले आई, आई सब्जेक्ट है, और इसके अनुसार वर्ब में क्या चेंज आती है ये हम यहां पे क्लियर करेंगे। तो जैसे हम गो लेते हैं, गो एक इसका वर्ब लेते हैं, गो, तो आई गो, आई गो मीन्स मैं जाता हूं, आई गो, गो इसकी वर्ब है। अब इस वर्ब में नीचे सब्जेक्ट के अनुसार क्या परिवर्तन होता है, आई गो मैं जाता हूं, यू गो तुम जाते हो, वी गो हम जाते हैं, दे गो वे जाते हैं। ये जो डार्क, इसलिए इंक का प्रयोग बाद में किया कि हम इसको क्लियरली समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है। बॉयज गो, लड़के जाते हैं, आई गो मैं जाता हूं, यू गो तुम जाते हो, वी गो हम जाते हैं, दे गो वे जाते हैं। गर्ल्स गो, लड़कियां जाती हैं, ही गोज वह जाता है। कि सिंगुलर के वाक्यों में यहां पर ईएस का प्रयोग किया, जहां हमारे ईएस का प्रयोग, जी ओ ई एस, गोज, ही गोज, तो हमने एस या ईएस को जब हम वर्ब में जोड़ते हैं, सिंगुलर वाक्य जो हमारे होते हैं, तो सी गोज, इसमें भी हमने ईएस का प्रयोग किया है, सी गोज, बॉय गोज, गर्ल गोज, राम गोज, सीता गोज। अब इनके अर्थ क्रमशः, फिर इसको हम निगेटिव में करेंगे, आई गो मैं जाता हूं, यू गो आप जाते हो, तुम जाते हो, पुलिस स्टॉप, वाक्य पूर्ण हो गया, वी गो हम जाते हैं, दे गो वे जाते हैं, बॉयज गो लड़के जाते हैं, गर्ल्स गो लड़कियां जाती हैं। अब यहां सिंगुलर है, ये यहां से ऊपर जो है हमारे आई यू वी के अतिरिक्त जो बहुवचन वाले हमारे सब्जेक्ट है उनके अनुसार हमारी वर्ब में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहां से हमारा चेंज आ रहा है। देखिए, ही गोज वह जाता है, शी गोज वह जाती है, बॉय गोज लड़का जाता है, गर्ल गोज लड़की जाती है, राम गोज राम जाता है, सीता गोज सीता जाती है। आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में, आप इनके बारे में पढ़िए, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको टेंस में ये जानना, इन वर्ब्स को की फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। अब हमको जैसे इसे हम निगेटिव में चेंज करते हैं, अब हम इसको निगेटिव में करेंगे यहां से, तो जैसे ये जिनमें गो लगा है, जिनमें वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, तो इन्हें हम निगेटिव में बदलते समय
हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। देखिए डोंट का प्रयोग, या डू नॉट भी कह सकते हैं हम, डू एनोटी नॉट। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं अगले वाक्य में, डोंट न लिख के मैं इसको यू, हम इसे आई डोंट या आई डू नॉट भी कहते हैं। बोल चाल में हम ज्यादातर ऐसे कहते हैं, और खुले रूप में अगर हम लिखना चाहें तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। बात एक ही है, सेम टू सेम, आई डोंट गो, आई डू नॉट गो, इसी तरह यू डोंट गो, यू डू नॉट गो। लेकिन एक ही चीज लिखना चाहिए, डोंट गो ज्यादा उचित लगता है, यू डोंट गो, आप नहीं जाती हो, यू डोंट गो, आप नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो। वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। इससे हमें अंग्रेजी में बोलने में भी आसानी होती है, इन वाक्यों का अधिक प्रयोग करने से, आपस में अपने मित्र के साथ करने से हमें धीरे धीरे हमारे इसमें बोलने में अभ्यास सही होता है और हम काफी अच्छा बोलने भी लग जाते हैं। दे डोंट गो, वे नहीं जाते हैं। बॉयज गो, बॉयज डोंट गो। डोंट शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन कहां तक करना है वो आप ध्यान से देखेंगे। बॉयज डोंट गो, लड़के नहीं जाते हैं। गर्ल्स डोंट गो, वहां गो है, लड़कियां जाती हैं, गर्ल्स डोंट गो, लड़कियां नहीं जाती हैं। ही गोज, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो या ही डजंट गो, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ये दोनों इस सेम टू सेम है। अब आपने देखा कि ऊपर वाले वाक्यों में हमने डोंट लगाया और यहां हमने डजंट क्यों किया, क्योंकि जो ये ईएस है ये हट जाता है। आप इधर देखिए, यहां आपने ईएस नहीं लगाया और यहां ईएस लगाया है, तो इस ईएस के लगने की वजह से सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा। ऊपर ऐसा ईएस का प्रयोग वर्ब में नहीं है इसलिए ऊपर नहीं लगाया, तो इसकी वजह से यहां चेंजिंग आ रही है, ये हमको ध्यान रखना है। सी गोज, सी डजंट गो, सी डजंट, डी ओ एस, डजंट, एन डजंट गो, वह नहीं जाती है। बॉय गोज, बॉय डजंट गो, ये ईएस की वजह से हमारा चेंज आ रहा है वाक्य में, डज और नॉट, डजंट शॉर्ट में एकदम से डजंट ऐसे करके हम इसे लिखते हैं। तो ही डजंट गो या ही डज नॉट गो, सी डज नॉट गो, बॉय डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाती है, लड़का नहीं जाता है। गर्ल क्या होगा, आपको आ गया होगा इससे आगे, आराम से आप बता देंगे डजंट गो, यहां डजंट का प्रयोग हुआ है। आगे आप बने रहिए, आपको दूसरे टेंस में भी किस तरह से क्या चेंज होता है निगेटिव बनाने में, अभी इंट्रोगेटिव में क्या चेंज होता है, ये सब करते हैं। और आप को ये तरीका मेरा अगर सरल लगा होगा, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप मेरे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आपको इससे हमारा जो है इस चीज को दूसरे लोग भी देख सकते हैं। राम गोज, तो राम डजंट गो, राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता। और यहां हम ऐसे आईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, आपने देखा ऊपर की वर्ब में भी हमने गो 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 किया है, जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को लिखा है, उसमें एस आई एस का कहीं कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां पर हमने जो चेंज किया है ई एस की वजह से यहां डजंट लगा है, और वो अपनी पहली फर्स्ट फॉर्म में आ गई, जो वर्ब है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में, उसमें से एस आई एस को हटा दिया है, उसकी जगह में डजंट कर दिया है। इसी तरह से सीता गोज, सीता डजंट गो, सीता डजंट
गो। अब मैं इसी में आपको इंटरोगेटिव भी थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे, जितना मेरे स्थान है मैं उसे समझा देता हूं, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम यहां पे कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या चेंज होगा, तो जैसे ये डू है, इसकी सहायक जो डू है, नॉट है, गो है, 1 2 3 4, इनमें से जो डू है इसे उठा के आप आगे ले आओ, ऐसे डू, और आई अपने स्थान पर बना रहेगा, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। इसी तरह डू यू गो, क्या आप जाते हो, क्या तुम जाते हो। तो आपने देखा क्या चेंज हुआ, डू को उठा करके आगे रख दो, बाकी वैसा ही रहेगा, जैसे इसमें डू उठाया आगे रख दिया और आई, उसके बाद आया आई का नंबर, उसके बाद गो आया, डू आई नॉट गो भी हो सकता है, क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, डू यू गो, डू यू नॉट गो, डू बी गो, डू बी नॉट गो, क्या हम जाते हैं, क्या हम नहीं जाते हैं, जैसे डू बी नॉट गो, क्या हम नहीं जाते हैं, ये क्यों बन गया, क्या यह, क्या मैं जाता हूं, क्या आप जाते हो, क्या हम नहीं जाते हैं, डू बी नॉट गो, डू बी गो, क्या हम जाते हैं। इसी तरह डू दे गो, क्या वे जाते हैं, डू दे गो। तो हमें टेंस अगर हमारी क्लियर, हम इस तरह से इनडेप्थ जो हमारे अफर्मेटिव हैं उनको हमको निगेटिव में बदलना और इंट्रोगेटिव में बदलना हमें आता है, तो हमें हमारी इंग्लिश काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। और इसी तरह से हम वर्ब की विभिन्न जो है फॉर्म, हम जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हम जाने, उनके पास्ट फॉर्म को जाने, उनके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को जाने, तो हमें आसानी होगी, अंग्रेजी हमारा अभ्यास बनेगा। इस तरह के अभ्यास आप घर पे करिए, मैं आपके लिए सारा होमवर्क है, इससे आगे का आप करिए। थोड़ा सा इधर नीचे में थोड़ा इधर डी कर देता हूं सिंगुलर वाक्यों में, जैसे यहां डज है तो डज का प्रयोग किया है, तो डज, अब ये इसका सब्जेक्ट क्या है, सी, डज सी गो, क्योंकि डज अगर आ गया है तो फिर गो में ईएस का प्रयोग नहीं होता है, ये आप यही समझ चुके हैं कि आपने यहां पे नहीं लगाया। तो इधर भी इंट्रोगेटिव बनाने में भी डज सी नॉट गो, क्या वह नहीं जाती है, डज सी गो, क्या वह जाती है, डज बॉय गो, डज बॉय नॉट गो, तो क्या वो, क्या लड़का जाता है, क्या लड़का नहीं जाता है, वाक्य के बीच में कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। डज बॉय गो, क्या लड़का जाता है, डज बॉय नॉट गो, क्या लड़का नहीं जाता है। जो मैंने इस तरह से जो और छोड़े हैं वाक्य, सेम जिनमें डज का प्रयोग किया है उनमें डज आगे आएगा, जिनमें डू का प्रयोग किया है उनमें डू आगे आगे आएगा। और इस तरह से आपने आज 3 चीजें एक साथ सीख ली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो एक टेंस हमारा लगभग लगभग हमें आ चुका है। इस तरह से आप दूसरे इसमें सब्जेक्ट, इसमें वर्ब चेंज कर सकते हैं, आप गो की जगह कम कर सकते हैं, आई कम, मैं आता हूं, यू कम, तुम आते हो, इधर भी इसी तरह से चेंज करोगे, आई डोंट कम, आई डू नॉट कम, डू आई कम, इस तरह से आप अनेक प्रकार की जो वर्ब बदलते हुए आप इसके अलग अलग तरीके से इसको वर्ब बदलते जाएंगे और आप सारे वर्ब की, जैसे गो पे बनाया, राइट पे बनाया, आई सिंग, मैं गाता हूं, मैं गाती हूं, आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता हूं, मैं नहीं गाती हूं, डू आई सिंग, इस तरह से बहुत सारे जितने भी मेन वर्ब हैं उन वर्बों को लगा करके और सब्जेक्ट का उनके इस्तेमाल करके आप इस तरह के अपने नए जो है अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क है, आप इसको कीजिए, इनको समझिए। और मेरा ये अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर भी आप में इसमें और कुछ आगे चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर इस्तेमाल कीजिए। केवल आप इसको देखिए नहीं, इस पर कमेंट और इस पर सब्सक्राइब और लाइक आपका अवश्य हमें चाहिए, उसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, आपको उसमें कोई खर्च होने वाला नहीं है, आप वीडियो आप देख रहे हैं और ये आपका क्लियर हो जाए, आपको अगले वीडियो में आपकी
कठिनाइयां दूर हों, दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले, इसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और इस तरह के और वीडियो के लिए मुझे मुझे बोलिए और मैं आपको नए वीडियोस बना के दिखाऊं, आपके लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।